हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर लोगों को एक सवाल बहुत परेशान करता है कि भैया एक महीने के अंदर एक यूट्यूब चैनल पर कितनी वीडियोस अपलोड की जानी चाहिए। अब देखिए, कोई कोई तो महीने में 30 वीडियो अपलोड करता है, कोई कोई 10 वीडियोस ही अपलोड करता है, कोई कोई 4 वीडियोस अपलोड करता है और कोई कोई तो दोस्तों महीने में एक ही वीडियो अपलोड करता है। और लोगों का कहना ये भी है कि ये सारे चैनल्स हैं वो ग्रो भी करते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आखिरकार आपको अपने YouTube चैनल पर कितनी वीडियोस अपलोड करनी है एक महीने के अंदर। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सवाल में ही छुपा हुआ है कि महीने में कोई कोई तो 30 वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई कोई 10 वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई कोई 4 वीडियो अपलोड करता है, कोई कोई तो महीने में एक ही वीडियो अपलोड करता है। तो अब आपको कितनी वीडियोस अपलोड करनी है? तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि जो कोई बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है, नंबर्स ऑफ वीडियो अपलोड कर रहा है, कि आखिरकार उसका कैटेगरी क्या है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि बहुत से लोग YouTube टिप्स देते हैं, तो उनका आपने देखा होगा कि 2 दिन में एक वीडियो अपलोड कर देते हैं या फिर कभी कभी एक वीडियो डेली वो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि YouTube टिप्स वाले जो चैनल है वो 1 से 2 दिन में वीडियो उनका आता रहता है। जैसे हम बात कर लेते हैं ब्लॉगिंग की, तो कोई कोई डेली भी ब्लॉग करता है, कोई कोई 2 दिन में एक बार ब्लॉग डालता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, ऐसे कुकिंग का चैनल है, कुकिंग में भी सुबह शाम 2 वीडियो आ सकते हैं एक दिन में, कभी कभी 2 दिन में एक ही वीडियो आता है। तो आपने देखा होगा कि ये चैनल्स है वो डेली यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कॉमेडी से रिलेटेड है, कॉमेडी में 15 दिन में एक वीडियो आता है, कभी कभी 30 दिन में एक वीडियो आता है और कभी कभी तो दोस्तों 2-3 महीने लग जाते हैं एक वीडियो में आने में। तो आपने देखा होगा कई ऐसे बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनकी वीडियोज को आने में 6-6 महीने लग जाते हैं एक वीडियो को आने में ही। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि कैटेगरी भी यहाँ पर मैटर करती है कि आखिरकार आप किस कैटेगरी से यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं। अब जैसे न्यूज़ चैनल हो गया, तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पर एक दिन में 20-20 वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर भर भर के मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर वीडियोस काफ़ी ज़्यादा डल जाती हैं। आपने देखा होगा जो कोई स्टडी की रिलेटेड वीडियोस बनाता है, वहाँ पर वीडियो डेली एक वीडियो आ जाती है। टीचर्स होते हैं तो वहाँ पर एक लाइव भी आ जाती है, उनकी एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया और एक लाइव में भी अपना जो सेशन है वो भी दिया है। तो इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी भी डिसाइड करता है कि आखिरकार आपके चैनल पर वीडियोज अपलोड कितनी होनी चाहिए। अब दोस्तों, आप यहाँ पर कितनी वीडियोज अपलोड करेंगे आखिरकार अपने चैनल पर, वो अब आपको जानना है। अब देखिए दोस्तों, 2 चीजें हैं, आपको 2 चीजों को ध्यान से समझना है। तो पहली जो चीज है दोस्तों कि आखिरकार आपकी क्षमता क्या है, यानी कि आप दिन में कितनी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप एक दिन में एक वीडियोस बना सकते हैं और आपको लगता है कि मैं लंबे समय तक दिन में एक वीडियो है उसको अपलोड कर सकता हूं, यानी कि 2-3 साल तक मैं लगातार एक वीडियो बना सकता हूं, तो आपको यहां पर डेली वीडियो अपलोड करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया, मैं तो 3 दिन में ही एक वीडियो बना पाऊंगा और 3 दिन में एक वीडियो बनाने के बाद अपलोड कर पाऊंगा, तो आपको 3 दिन में एक वीडियो बनाना है, उससे भी कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों, कोई कोई होता है कि कॉमेडी की वीडियो बनाता है तो उसका महीने 15 दिन में एक वीडियो ही रेडी हो पाता है, तो वो आपको यहाँ पर अपने क्षमता के ऊपर वीडियोस बनाना है। ये तो हो गया दोस्तों पहली चीज। अब दोस्तों, दूसरी चीज क्या है? दोस्तों, दूसरी जो चीज है वो ये है यहाँ पर कि आपको अपना सबसे पहले निश पता करना है कि आखिरकार आपके चैनल का जो निश है वो क्या है। अगर आप कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो कॉमेडी से रिलेटेड पहले आपको अपना निश कंफर्म करना है। आप व्लॉगिंग करते हैं या फिर टीचिंग करते हैं या फिर कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, आखिरकार जब आप अपने निश को लेकर कंफर्म हो जाएं कि मेरा निश भैया ये है, मैं यहाँ पर इस चीज़ से रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके जो भी कंपटीटर्स हैं, यानी कि कंपटीटर्स नहीं कह सकते या फिर आप कह सकते हैं बड़े चैनल्स हैं, आप जिस कैटेगरी में वीडियोस बनाते हैं वहां पर आपको जितने भी बड़े चैनल्स हैं सबसे पहले उनको आपको देखना है कि भैया ये आखिरकार ये बड़े चैनल्स महीने में कितनी वीडियो अपलोड करते हैं, आखिरकार रोज वीडियो अपलोड करते हैं या फिर 5 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करते हैं, 10 दिन बाद एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल का निश देखना है और उस निश में जितने भी बड़े चैनल हैं आपको उनको देखना है कि आखिरकार वो डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं या फिर 5 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपको उसी के हिसाब से यहां पर चलना है कि आखिरकार वो कितनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कई कई YouTube टिप्स के ऐसे भी चैनल्स हैं जो 7 दिन में 8 दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो दोस्तों
वो चल ज्यादा नहीं चल पाए हैं। आपने देखा होगा कि कई कई वीडियोस पर एक एक वीडियोस पर ज्यादा व्यूज चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों वो ज्यादा कमाई भी नहीं कर पाए हैं और ज्यादा आगे भी नहीं बढ़ पाए हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आखिरकार जिस निश में आप वीडियो बना रहे हैं, आपकी जो निश है उसमें जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो किस हिसाब से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया कि आपको वीडियो कितनी अपलोड करनी है, लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है। आपको देखिए कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखना है कि आखिरकार आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो कितने दिन में कितनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, लेकिन आपको अपनी क्षमता है उसको भी ध्यान में रखना है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपको यहाँ पर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि आपने अपने वीडियो को देख लिया कि आखिरकार आपके जो कंपटीटर्स हैं, जितने भी बड़े चैनल्स हैं, वो कितनी दिन में कितनी वीडियो अपलोड करने हैं, आपने अपनी क्षमता को भी देख लिया। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप वीडियोस बना रहे हैं तो आपकी जो वीडियो का क्वालिटी है वो बेहतर रहना चाहिए, अच्छे से अच्छा रहना चाहिए। आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो आपकी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक वॉइस क्वालिटी और यहां पर आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी तो ऑडियंस आपकी वीडियोस पर ही नहीं रुकेगी। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपकी वॉइस क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी वीडियो है वो अच्छे से चल पाएगी, आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो को अच्छी तरीके से देख पाएगी। तो आपको अपनी वीडियो कब अपलोड करनी है ये तो आपने जान लिया है, लेकिन दोस्तों अब आपको अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी है, उसको भी बेहतर रखना है। तो दोस्तों अब मैं बात करूं अपने चैनल की, तो मैं भी अपने चैनल पर 2 दिन के अंदर 1 वीडियो अपलोड करता हूं। तो आपको भी अपने चैनल पर अपने निश के हिसाब से वीडियोस को अपलोड करना है, अपनी वीडियोस की जो क्वालिटी है उसको बेहतर रखना है। तो दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली ही वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।